वेलकम टू द एमएनएस 2020 पीवाईक्यू सेशन। सब लोग फटाफट से आ जाएं इस सेशन में और फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या करना है, क्या आपके पीवाईक्यूज हैं। फटाफट चलो चलो फटाफट आ जाओ। सब लोग लाइक कर दो सेशन को, जल्दी से आते ही लाइक कर दिया करो, ठीक है? आते ही लाइक कर दिया करो बेटा। फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओके, मोनेम नगेमू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, थैंक यू सो मच। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा सब लोग सेशन। लाइक कर देना फटाफट से, ठीक है? जय हिंद जय हिंद। हाउज द जोश टुडे, हाउज द जोश? हाउज द जोश? चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास अपना। तो आपके पी वाई क्यूज में 2020 के डिस्कस करती हूँ। उससे पहले सब लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, या फिर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए जो कि फ्री है, देयर इज नो पैसा इन दैट, ठीक है? थ्री लाइंस आपकी लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आएंगी, वहां पर जाकर कैटेगरी सिलेक्ट करिए एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई, देन सर्च माय नेम एंड फॉलो मी। फॉलो करने के बाद यू कैन सी ऑल माय जितने भी मेरे सेशंस हैं एंड दे आर ऑल फ्री फॉर एमएनएस। सब सेशंस आप देख सकते हैं। अगर आपसे कोड पूछा जाए तो श्रुति 0401 कोड अप्लाई कर लीजिएगा टू अनलॉक ऑल द फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सारी फ्री क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोर देन 150 क्लासेस यहाँ पर हैं। आई गेस अब तो 170 से ऊपर ही हो गई होंगी क्लास, और बहुत जल्द 200 से ऊपर फ्री क्लासेस यहाँ पर एमएनएस की हो जाएंगी। तो आप लोग ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं विद अ सिंपल कोड, नो चार्जेस एंड ऑल आर फ्री, एंड द कोड इज श्रुति 0401। फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, सारी फ्री क्लासेस देख लेना। चलिए तो अब पिछले साल आपके बहुत सारे वर्ड्स आए थे, जिसमें से मैं आपको ये पी वाई क्यूज क्वेश्चन की फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? जैसा मैंने जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया है ये वही फॉर्मेट है, और आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? इसी फॉर्मेट में मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको इसी फॉर्मेट में पी वाई क्यूज आपके करवाऊंगी, ठीक है? मैराथन कल से है, तो आर्डियस का आपका एंटोनिम्स, ये पिछले साल के आपके एंटोनिम्स हैं, ये आपके 2020 के एंटोनिम्स हैं, क्लियर है? ये आपके 2020 के एंटोनिम्स हैं, ठीक है? ये 2020 के एंटोनिम्स हैं आपके। तो आपका पहला एंटोनिम आया था आर्डियस, आर्डियस मींस डिफिकल्ट, एंड इसका एंटोनिम था इजी, ठीक है? नेक्स्ट इज फ्लमक्स्ड, फ्लमक्स्ड का मीनिंग इसका ऑपोजिट आया था अश्योर्ड या फिर सैटिस्फाइड, ठीक है? कोशिश करूंगी कल 2019 का करवा दूं, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, ठीक है?
वैसे तो आपको PYQs इतने ज़्यादा नहीं मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने क्लासेस कर चुकी हूँ कि PYQs का रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉक करेंगे और मैराथन सेशंस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं ये कह सकते हैं हम, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो ये चांसेस बहुत ही कम है, होते भी हैं कभी कभी, ठीक है? होते भी हैं कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही कि होते ही नहीं है, होते हैं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओवर स्ट्रंग, ओवर स्ट्रंग, सब लोग लाइक नहीं कर रहे सेशन को यार, तुम बहुत ही गंदे हो, बहुत ही गंदे हो तुम, सेशन लाइक करो यार, मैं सुबह से चिल्ला रही हूँ। तो फटाफट से आप ओवर स्ट्रंग, थर्ड आपका आया था ओवर स्ट्रंग, जिसका मीनिंग होता है काम या फिर कूल, ठीक है? काम या फिर कूल। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का ऑपोजिट होता है रियल, फिक्टिशियस मींस अनरियल या वर्चुअल, एंड देन इज रियल, ठीक है? रियल, क्लियर है? नेक्स्ट इज अर्बेन, अर्बेन का मतलब, अर्बेन का ऑपोजिट था बूरिश या फिर अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है? चलो नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देख लेते हैं, पिछले साल सिनोनिम्स क्या आए थे। पहला सिनोनिम था आपका रैंकर, रैंकर, रैंकर मींस हेट्रेड, ठीक है? बिल्कुल दुश्मनी की भावना रखना, ठीक। डेसिफर, डेसिफर का मतलब होता है डीकोड, किसी भी चीज को डीकोड कर लेना। इम्प्रोम्प्टो, इम्प्रोम्प्टो आपका होता है अनरिहर्स्ड, ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, ये PYQ के फॉर्मेट में नहीं, मैंने आपको सेशंस में ये करवा चुकी हूँ। तो इसका मीनिंग होता है अनरिहर्स्ड, सिनोनिम। नेक्स्ट इज स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का सिनोनिम होता है एक्सीलेंट। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसका आपका सिनोनिम होता है अनक्वेश्चनेबल, ठीक है? अनक्वेश्चनेबल। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पहले वन वर्ड्स हैं, पहले वन वर्ड्स कर लेते हैं, ये वन वर्ड्स हैं आपके, ठीक है? वन वर्ड्स हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो आपके वन वर्ड्स में पहला आया था वन हु डिमांड्स कन्फर्मिटी टू रूल्स, मतलब जिसको बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पसंद है या चलवाना पसंद है, तो उसको कहते हैं मार्टिनेट, मार्टिनेट, ठीक, मार्टिनेट। One who can write with both hands, ambidextrous, ये पिछले साल आया हुआ है one word. One who can write with both the hands, ठीक है? Ambidextrous. Next is one who is very knowledgeable about a subject and cannot hear wrong about a subject and tries to show off the knowledge. मतलब जो कि knowledgeable है subject के बारे में और उस subject के बारे में गलत नहीं सुन सकता. For example, in front of the English teacher. If you say a wrong thing, अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, सो इट इज पेडेंटिक, पेडेंटिक, ठीक है भाई? नेक्स्ट, वन हु इज फॉन्ड ऑफ वियर्ड पेट्स, मतलब जिसको बहुत ही वियर्ड पेट्स पसंद है, फॉन्ड है बहुत ज्यादा, तो उसको कहते हैं इसेंट्रिक या फिर पागल। इन हिंदी वी कैन से हिम एज पागल या फिर इसेंट्रिक, स्क्रू ढीला होना, ठीक। नेक्स्ट, बोर द पाम, बोर द पाम, जिसकी जिसकी फर्स्ट शिफ्ट होगी ना उसको यहां सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जिसकी जिसकी फर्स्ट शिफ्ट होगी ना उसको सब यहां पर दिख रहे होंगे एक का एक क्वेश्चन, अगर याद आ रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विन रिवॉर्ड, ये आ गए आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बोर द पाम का मतलब होता है टू विन रिवॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट इज कीप योर विग ऑन, कीप योर विग ऑन, कीपिंग काम।
नेक्स्ट इज वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट थिंग्स. वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट थिंग्स मतलब जो हमेशा नेगेटिव हो. ही इज अ पेसिमिस्ट. ठीक है, ही इज अ पेसिमिस्ट. सेशन लाइक करो बीकेबी, गुस्सा ना दिलाओ. सेशन लाइक करो, अब मैं तभी आगे चलूंगी. नेक्स्ट, पर्ल्स बिफोर स्वाइन. पर्ल्स बिफोर स्वाइन, वेस्टिंग टाइम एक्सप्लेनिंग थिंग टू एन अननोन पर्सन. मतलब ऐसे बंदे को बताना, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना. ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना. पर्ल्स बिफोर स्वाइन, वेस्टिंग टाइम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू एन अननोन पर्सन. नेक्स्ट, बिग फिश. बिग फिश, ये सेंटेंस आया था, ही इज अ बिग फिश इन दिस ऑर्गेनाइजेशन या इन दिस कंपनी. तो ये है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज वियर्स इन हर हार्ट एंड हर स्लीव्स. अपनी हार्ट में और स्लीव्स में पहनना कुछ भी. ठीक है, तो सेइंग आउट इमोशंस फ्रीली, फ्रीली अपने इमोशंस बताना. ठीक है, नेक्स्ट जनरल नॉलेज के पार्ट पर आते हैं. यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, बाकी जो इन ऑन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे इतने याद नहीं, मतलब वो मेरे को बच्चों ने बताया नहीं कि कितने याद नहीं, और जो भी ये मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स पर बेस्ड है. ठीक है, तो उनको इतने सेंटेंसेस, ये idioms, phrases, antonyms, synonyms आपको भी याद रहेंगे, बट वो जो मैं बात करूँ ना, ऑन, फॉर, इट, एट, prepositions and on, ये नहीं हो पाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट जनरल नॉलेज की बात करते हैं. पिछले साल का जनरल नॉलेज का पैटर्न क्या था. Which country has the longest written constitution? Longest written constitution है इंडिया का. ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं होगा इंपॉर्टेंट. बिग फिश का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी. मतलब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं मेरी कोई सुनता है, जैसे मेरी सब, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरी कोई कंपनी में सुनता है हमेशा. ठीक है, मैं HR हूं. ठीक है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, एक बिग फिश हूं, क्योंकि मेरी बात हर कोई सुनता है. राइट, एंड नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट नहीं बेटा, इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वैष्णवी, मैं पढ़ाऊँ या फिर तुम्हारी बातें सुनूँ? अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, लास्ट में कमेंट करना जो भी कमेंट करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया. Under which article power of Supreme Court is mentioned to solve the center and state disputes? मैंने आपको ये important topics में बताया हुआ है, कौन से article के अंदर Supreme Court power mention करती है center और state के बीच में disputes mention करने के लिए, solve करने के लिए. So it is article 131. ठीक है, next, who is the fastest swimmer in the world? क्वेश्चन आया था, हु इज द फास्टेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड. तो माइकल फेल्प्स हैं, इन्होंने 28 मेडल जीते थे. तो ही हैज वन 28 मेडल्स एंड द नेम वाज माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स. नेक्स्ट इज नेपा नगर इज फेमस फॉर. नेपा नगर किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग. नेक्स्ट, दिल्ली चलो स्लोगन वॉज गिवन बाय. अब मैंने तुम लोगों को बताया था ना, पिछले साल एक स्लोगन आया था, तो इट वॉज दिल्ली चलो स्लोगन. तो इट वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट, विच बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया. बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर LIC किया था, बट इट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Clear? Next, which is the easternmost
एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट रिस्पेक्टिवली। जो ऑप्शंस थे उनमें से बताना था ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्टर्न मोस्ट है और वेस्टर्न मोस्ट हो गया गुजरात। क्लियर है? पिछली बार रीजनिंग आई थी तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ विमेन इंट्रोड्यूसेस अ बॉय एज द सन ऑफ हर मदर्स ब्रदर। ठीक है, विमेन ने एक इंट्रोड्यूस किया एक बॉय को एज द सन ऑफ हर मदर्स ब्रदर, मतलब अपने मम्मी के भाई का बेटा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विद द वुमेन एंड द बॉय? क्या रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ बेटा? कजन का। सिंपल सी बात, एक विमेन ने इंट्रोड्यूस किया एक बॉय को एज द सन ऑफ हर ब्रदर्स मदर्स ब्रदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजन। ये था आपका सिर्फ और सिर्फ एक रीजनिंग का क्वेश्चन, अकेला एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। तुम लोग जो रीजनिंग के पीछे परेशान होते रहते हो ना, रीजनिंग इतनी नहीं आती है। चलो नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडेनॉम गेब्रियस, TA गेब्रियस। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका कॉल्ड एज? ये आपका टेंथ, नाइन्थ टेंथ की नाइन्थ टेंथ कह रही हूं, आपके अपार्थाइड सिस्टम शायद नाइन्थ की सिविक्स में है, ये क्वेश्चन वहां से आया था। What is the racial discrimination in South Africa called? Racial discrimination South Africa में क्या कहते हैं उसको? तो it is called as apartheid system. ठीक है? It is called as apartheid system. Next, full form of ALU. ALU का full form क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द बुक इज ऑथर्ड बाय ईएम फॉस्टर? इसमें से कौन सी बुक थी एक जो ईएम फॉस्टर ने लिखी है? तो बुक थी अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड्स वर स्टार्टेड इन द ईयर, अर्जुन अवार्ड्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे? तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 1961। नेक्स्ट, इन द लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द करेंसी नोट्स हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड? आप अपना नोट देखना, 10 15 20 रुपए कितने का भी जो नोट है वो देखना, उसमें देखना कितनी लैंग्वेजेस मेंशन होती है लैंग्वेज सेक्शन में। तो देर आर 15 लैंग्वेजेस। ठीक है, और वैसे तुम बोलोगे कि मैम 13 लैंग्वेजेस होती हैं, बट हिंदी और इंग्लिश को भी तो शामिल करोगे ना, हिंदी एंड इंग्लिश में भी तो पूरे नोट में लिखा होता है, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है? तो हिंदी एंड इंग्लिश मिला के 13 प्लस 2 इट इज 15। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड ऑन द करेंसी नोट्स? इट इज 15 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है हमारा इंडिया का? भारत रत्न, है ना, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न। नेक्स्ट, जनता कर्फ्यू वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन, जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, वो कौन सी डेट को लगाया गया था? 22 मार्च 2020। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट, CDMA स्टैंड्स फॉर, CDMA किसको मतलब क्या बताता है? कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी सलाम बॉम्बे? ये कॉमेंट सेक्शन में बात करना बंद करोगे, एट द रेट कल्पना, एट द रेट वैष्णवी, एट द रेट गुरलीन।
हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी सलाम बॉम्बे? आपकी मूवी का एक डायरेक्टर आया था, मीरा नायर एंड अनिल तेजानी इसका आंसर था. मीरा नायर इसकी मेन डायरेक्टर है, अनिल तेजानी ने उनको असिस्ट किया है, तो को डायरेक्टर है वो. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट. When a person's fundamental rights are violated, he or she can directly approach the Supreme Court as per which article? जब एक बंदे के पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, तो ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज पर विच आर्टिकल? सो इट इज आर्टिकल 32. ठीक है, आर्टिकल 32 इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड एज द लीडर फुहरर? क्वेश्चन आया था लीडर फुहरर कौन है, सो ही इज अ हिटलर. हिटलर को बोलते थे लीडर फुहरर. ठीक है, नेक्स्ट, डॉट्स इज द ट्रीटमेंट फॉर वॉट? डॉट्स किसका ट्रीटमेंट है? डॉट्स किसका ट्रीटमेंट है? इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट, वॉट इज द अपर एज लिमिट ऑफ PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? अपर एज लिमिट इसकी क्या है? 55 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कॉन्गो. कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? सो इट इज कॉन्गो. नेक्स्ट, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ विच कंट्री? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन सी कंट्री की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? तो इट इज USA. आपका J&K से रिलेटेड आर्टिकल 370 है एंड 35A है. ठीक है, J&K से रिलेटेड आर्टिकल दोनों है, 370 एंड 35A. नेक्स्ट, पैरालंपिक्स आर फॉर? पैरालंपिक्स किसके लिए हैं? पैरालाइज्ड एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए. पैरालाइज्ड एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए. नेक्स्ट वाज, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, माउरिस इज अ ट्राइब फाउंड इन? माउरिस ट्राइब जो है वो कहां का है? खुशी, आप टेलीग्राम चैनल में सब लोग हो? इज एवरीबॉडी इन द टेलीग्राम ग्रुप? इज एवरीबॉडी इन द टेलीग्राम ग्रुप? टेलीग्राम चैनल में अगर हो वहां PDF मिल जाएगा. ठीक है, तो लिखने की या स्क्रीनशॉट लेने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? चलो, तो माउरिस इज अ ट्राइब फाउंड इन न्यूजीलैंड. ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेना. प्राउड MNS वॉरियर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे सर्च कर लीजिए. एंड इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है. ठीक है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, दोनों के दोनों जाकर ज्वाइन कर लीजिए. क्लियर? नहीं तो एक लिंक सर्च करिएगा, t.me/femalearmy, t.me/femalearmy. ठीक है, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, वो सब यहां मिलता है. क्लियर है मेरी बात? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ढूंढ लेना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउरिस इज अ ट्राइब फाउंड इन? माउरिस कहां का ट्राइब है? न्यूजीलैंड का. क्लियर? नेक्स्ट, माइकल फेरेरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? माइकल फेरेरा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बिलियर्ड्स. कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? बिलियर्ड्स से. नेक्स्ट इज 28th, कोनकान एक्सरसाइज इज बिटवीन? कोनकान एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? इंडिया एंड यूके. ठीक है, इंडिया एंड यूके के बीच में कोनकान एक्सरसाइज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तुम ये देख रहे हो ना, जैसे तुम ये मॉक अभी देख रहे हो PYQs 2020 के,
एक का एक पीवाईक्यू मेरे पास, पीवाईक्यू कह रही हूं, इस साल के भी सारे क्वेश्चंस मेरे पास होंगे, ठीक है? ठीक है भाई, तो तुम लोगों को सब हो जाएगा, तुम लोगों को सब बता दूंगी मैं अच्छे से। तो इसलिए तुम लोगों को रिजल्ट रिजल्ट से पहले पता होगा, रिजल्ट आपका रिजल्ट से पहले पता होगा, प्लस माइनस 10 लेके चलना, ठीक? अपना रिजल्ट प्लस माइनस 10 में लेके चलना, एक्यूरेट रिजल्ट आपको मेरे सेशन में ही मिल जाएगा। चलो, न्यूएस्ट कंट्री कौन सी है? न्यूएस्ट साउथ अफ्रीकन, न्यूएस्ट कंट्री कौन सी है? साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट कंट्री, ठीक है? नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोचेस को, ठीक? हु वॉज अवार्डेड विद द मैन बुकर प्राइज ऑफ 2019? मार्गरेट एटवुड। 2019 का मैन बुकर प्राइज मिला था मार्गरेट एटवुड को, ठीक? विच स्ट्रेट सेपरेट्स बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी? कौन सा स्ट्रेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को तोड़, मतलब सेपरेट करता है? इट इज पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट, पिन स्टैंड्स फॉर, 33rd क्वेश्चन था। पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ हाँ निकिता, जरूर। तो इट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, ब्लैक कैट प्रोडक्शंस आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स से करवाएंगे, ठीक है? नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा तो है किसी ने? नेक्स्ट इज 34th क्वेश्चन। लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज इज बीइंग ओपन्ड एट विच प्लेस? एक लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ग्लास बॉटम्ड, देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखे होंगे कि लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ग्लास का बॉटम है, मतलब उससे आर पार सब दिखता है, ऐसा लगता है आप हवा में खड़े हो, ठीक है? तो ये कहां पर ओपन किया गया है? ये ओपन किया गया है चाइना में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? पहली अर्थ समिट कहाँ हुई थी? रियो दी जेनेरो। एनवायरमेंट से रिलेटेड ना जितनी भी चीजें हैं कि फर्स्ट टाइम कहां पर हुई थी, तो वो रियो दी जेनेरो है, ठीक है? नेक्स्ट इज विच आईलैंड इज लूजिंग द आइस शीट एट द फास्टेस्ट रेट इन द वर्ल्ड? कौन से आईलैंड से आइस जो है सबसे फास्टेस्ट रेट पर जा रही है? तो इट इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइड फंड जो आपका है उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल था जाइंट पैंडा, ठीक? हाँ जी, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति शर्मा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडिया में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? क्या रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सा मेटल या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? तो लेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जजमेंट इज द पेंटिंग बाय, लास्ट जजमेंट एक पेंटिंग है, वो किसने दी है? तो इट इज ईसी माइचल एंगेलो, माइकल एंगेलो, ठीक है? नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2019 वॉज गिवन टू? नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2019 किसको दिया गया था? तो नोबेल पीस प्राइज फॉर 2019 वॉज गिवन टू
एबी अहमद, ठीक है। मीना माता डिजीज के लिए बेटा अप्रोप्रिएट आंसर इज मर्करी। ठीक है, मीना माता डिजीज के लिए अप्रोप्रिएट आंसर इज मर्करी। नेक्स्ट, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, जीरो किसने इन्वेंट किया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। नेक्स्ट, इलेक्शन कैंपेन शुड स्टॉप बिफोर हाउ मच टाइम बिफोर वोटिंग? इलेक्शन कैंपेन कितने टाइम पहले, वोटिंग से कितने टाइम पहले खत्म हो जाना चाहिए? 48 आवर्स, ठीक है, इट इज 48 आवर्स। नेक्स्ट इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट, इट इज मून। नेक्स्ट इज नेम द फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हु डाइड रिसेंटली एंड हैज वॉन 5 NBA टाइटल्स। फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इनको रिसेंटली, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो डाइड हो गए रिसेंटली, मर गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, एंड हैज वन 5 NBA टाइटल्स। ये पहले का 2020 का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कोब ब्रायंट। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी? मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोडाईकनल, तमिलनाडु। नेक्स्ट, एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st में। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट, विच मैन मेड स्ट्रक्चर इज द ओनली स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम द मून? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, ठीक है, कि जो मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि विजिबल फ्रॉम मून है। देखो, एक तो आपके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और आपका दूसरा है जो आपके पिरामिड, गीजा के पिरामिड्स है ना, गीजा पिरामिड्स, वो दोनों, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं जो वो विजिबल हैं चाइना मून से। क्लियर? नेक्स्ट, एक क्वेश्चन रिलेटेड टू SDSC आया था, जिसका फुल फॉर्म करना था। फुल फॉर्म मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि इसका क्या फुल फॉर्म निकालूं। ठीक है, तो SDSC का एक क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म करने को बोला था। जहां तक मुझे पता है, SDSC का फुल फॉर्म होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, मतलब जितना मुझे पता है, जितना मुझे बच्चों ने बताया है। ठीक है, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पर। चलो फटाफट, व्हाई डू ग्राम नेगेटिव सेल्स स्टेन पिंक? ग्राम नेगेटिव सेल्स का पिंक स्टेन क्यों होता है? सेल वॉल इज अनेबल टू रिटेन द वॉयलेट स्टेन बाय सैफ्रिनिन। ठीक है, इसका आंसर था सेल वॉल जो है वो वॉयलेट स्टेन को लेती नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं वो पिंक स्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन मैमल्स विच पार्ट इज द मेल जेनाइटल ग्लैंड? मैमल्स में मेल जेनाइटल ग्लैंड कौन सा होता है उस ऑप्शन में से? ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड उसका करेक्ट आंसर था उन ऑप्शंस में से। ठीक, नेक्स्ट, नेम वन टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन। तो एक टेक्निक बतानी थी माइक्रो प्रोपिगेशन की, तो वो टेक्निक थी सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक,
नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज हार्म्ड एंड अनदर वन स्टेज न्यूट्रल. ऐसा टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को न्यूट्रलिटी मिलती है. ठीक है, अमेंसलिज्म. ठीक है, अमेंसलिज्म. नेक्स्ट, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट. जूट फाइबर्स को कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से लिया जाता है? फ्लोएम पार्ट ऑफ स्टेम से. ठीक है बेटा, करने दो बेटा, करने दो. ये विशाल विशाल मुझे नहीं दिख रहा, मैंने ब्लॉक कर दिया. ठीक है, आई हैव ब्लॉक दैट पर्सन, मुझे क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है. आई लाइक दैट पर्सन इज नॉट विजिबल टू मी एट ऑल. ठीक है चलो, चलो चलो. जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फ्लोएम पार्ट ऑफ द स्टेम. ठीक है, फ्लोएम पार्ट से ये दिखते जूट फाइबर्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट कॉल्ड? एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को अगर हमें एम्पलीफाई करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेक्निक को क्या कहते हैं? इट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नेक्स्ट, एग्रोज जेल फ्रॉम सी वीड्स इज यूज फॉर. ये मैंने बोला था ना, तुम्हारा 2020 का पीवाईक्यू है और मैंने तुम्हें सेशंस में जितने भी पीवाईक्यू आते हैं ना, चाहे 2019 का हो, 2020 का हो, 2017 का हो, 2014 का भी हो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ. बताती हूँ नहीं बताती हूँ, और मैंने तुम्हें ये बताया था, अगार अगार या एग्रोज जेल सी वीड्स में से किसके लिए यूज किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेक्स्ट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स फोर टाइम्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोमेंटम? अगर काइनेटिक एनर्जी चार बार बढ़ जाए तो मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा या ट्वाइस हो जाएगा. पारुल, मैंने मीसोलॉजिस्ट करा दिया था, मैंने मीसोलॉजिस्ट बाद में ठीक करवा दिया था बेटा, वहां जाके दोबारा देखो, मैंने मीसोलॉजिस्ट ठीक करवा दिया था. ठीक है चलो, नेक्स्ट, व्हाट आर द आइसोमर्स कॉल्ड विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड अराउंड अ सिंगल बॉन्ड? ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं जो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड? तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कन्फर्मर्स. क्या कहते हैं इनको? कन्फर्मर्स. क्लियर? सब लोग इसको विशाल को रिपोर्ट कर दो. ठीक है, सब लोग विशाल को रिपोर्ट कर दो, बस नहीं दिखेगा तुम लोगों को, रिपोर्ट कर दो या ब्लॉक कर दो, सिंपल बात. नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन डू द पेटल्स एंड सेपल्स ओवरलैप ईच अदर? अभी हमने करा था, आज ही एक क्वेश्चन किया है हमने एस्टिवेशन का, और मैंने तुम्हारी सारी एस्टिवेशन भी करवाई है. तो कौन सी टाइप की एस्टिवेशन में पेटल्स एंड सेपल्स ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को? तो ये कौन सा टाइप का है? इम्ब्रिकेट. क्लियर? नेक्स्ट, ब्लड इन आर आर्टरीज एंड वेन्स डज नॉट क्लॉट बिकॉज ऑफ. हमारी आर्टरीज और वेन्स में देखो, हमारे कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मगर अंदर हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड चल रहा है, ठीक है, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? तो इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल विच इज हेपरिन. ठीक, नेक्स्ट, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा इज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? रैबिडिटीफॉर्म लावा कौन से ऑर्गेनिज्म का होता है? तो इट इज ऑफ एस्कैरिस. क्लियर? रुक जाओ यार, रुक जाओ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बता दूंगी, रुक जाओ. एक ही चीज इतनी बार तुम लोग कमेंट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
कंफर्मर्स क्या होते हैं? कंफर्मर्स वाला क्वेश्चन कहाँ गया? कंफर्मर्स क्या होते हैं? कंफर्मर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दोनों में क्या फर्क है मुझे बताओ फटाफट से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है? बताओ फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ एक OH का फर्क होता है, एक जगह OH लगा है और एक जगह OH नहीं लगा है। ठीक, एक जगह OH लगा है, ग्लूकोज भी आपका पेंटा शुगर है, फ्रक्टोज भी आपका पेंटा शुगर है, मगर सिर्फ OH का फर्क है। एक में OH ऊपर की तरफ है जब आप ये डायग्राम बनाते हो ऐसे करके, एक में आप OH ऊपर बनाते हो, इसमें OH नीचे बनाते हो, सिर्फ ये फर्क है। तो इसके अराउंड सिर्फ डिफरेंस आ रहा है ना, इसके अराउंड सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, तो इसी को कहते हैं बेटा आपका कंफर्मर। ठीक, सारे डिफरेंस बता दिए मगर कंफर्मर वाले डिफरेंस पे नहीं आ पाए। अब तुम लोग पूछ रहे थे ना कि मैम ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है आपका? एम वी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं देखूं, वो ट्वाइस नहीं हो जाएगा? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालूं और टू यहां लिख दूं, तो टू और टू काट दूं, तो एम वी स्क्वायर हो गया, सिर्फ इसका स्क्वायर है, बाकी पूरा एम वी हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, हम फटाफट से सेशन खत्म करते हैं। तो रैपिडिटी फॉर्म लावा किसका होता है? एस्केरिस का। किसका होता है? एस्केरिस का। क्लियर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड? कौन से मेथड से इथेनॉल और एसीटोन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? तो इट विल बी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आप मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग सूटेबल इंप्योरिटी और टू अ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एड्स। सूटेबल इंप्योरिटी एक सेमी कंडक्टर पे, सूटेबल इंप्योरिटी जो सेमी कंडक्टर में हम डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोपिंग। ठीक, डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन सेल साइकिल विच अकर्स इन। डीएनए सिंथेसिस कौन सी सेल साइकिल के फेज में नहीं बंद किया जा सकता? इट इज एस फेज। करने दो यार, अपने को क्या है, करने दो डिसलाइक। कितने डिसलाइक कर लेगा? क्यों परेशान होते हो जब मैं परेशान नहीं हूं? लाइक करने वाले ज्यादा हैं, डिसलाइक करने वाले हमेशा कम होते हैं, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट, द पीपल हैविंग इंटरफेरॉन्स इन द इम्यून सिस्टम जनरली सफर्स फ्रॉम। पीपल हैविंग इंटरफेरॉन्स इन द इम्यून सिस्टम किससे सफर करते हैं? इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिस एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उनको कहते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट,
पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की. एलओएस कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस. व्हाट आर द अन यूनिडेंटेट लीगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स आयन कॉल्ड एज? यूनिडेंटेट लीगेंड्स को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में? इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज कॉल्ड एज? मॉलिक्यूलर कोलिजन से जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. क्या कहते हैं उसको बेटा? कंडक्शन. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट्स दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर क्लासेस? ब्रायोफाइट्स का अदर क्लासेस से क्या सेपरेशन है? इसके पास हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं. ठीक है, स्नेहदीप, मैंने आपको 12th लेवल का भी कराया है. आपने सिर्फ 9th एंड 10th की क्लास देखी है क्या? मैंने आपको 12th क्लास के भी सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं. आपने फिर पूरी क्लासेस देखी ही नहीं है. आप जाके पुरानी क्लासेस देखो. ठीक, नेक्स्ट, प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर अर्थ का ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट हो गया था कब? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, हां जी, रिकॉर्डेड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? यूट्यूब पे कुछ हटता है क्या? नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज लीस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट? इसमें से कौन सा लीस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट होता है? वैसे लीस्ट पैरामैग्नेटिक आपके होते हैं कोबाल्ट, निकल, आयरन और कॉपर. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर? हां स्नेहदीप, बोलो, हेलो हेलो, क्यों बोल रहे हो बेटा? तो मॉलिक्यूलर व्हाई डू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर? तो ये बिकॉज टू कंप्लीट द प्रोसेस अ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन इसलिए नहीं होती है एटमॉस्फेयर में बिकॉज इनको एक कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी का मेन पर्पस क्या है? सनलाइट. ठीक, विच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू डाउन्स प्रोसेस? डाउन्स प्रोसेस से कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इट इज सोडियम. नेक्स्ट, व्हेन मास एम इज रोटेटेड इन अ प्लेन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो सिंपल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. जब उसको रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पेपर के साथ तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. नेक्स्ट, बी सेल्स सेक्रीट विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? बी सेल्स कौन सी एंटीबॉडीज सेक्रीट करती हैं? IgM. नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ टॉलरेशन ऑफ सॉल्ट, जिनको वाइड रेंज ऑफ टॉलरेशन ऑफ सॉल्ट बर्दाश्त होता है, उसको कहते हैं यूरीहेलाइन. नेक्स्ट, सिल्वर कलर बैंड ऑन द कार्बन रेजिस्टर रिप्रेजेंट्स हाउ मच टॉलरेंस? सिल्वर कलर बैंड होता है कार्बन रेजिस्टर पे, ऐसे करके बैंड होते हैं अलग अलग कलर के. ठीक है, तो जो सिल्वर कलर है वो रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 10%. ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन? जब ओवरी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. क्लियर, नेक्स्ट, द फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज. फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम को क्या कहते हैं? क्लैडोड्स.
नेक्स्ट, व्हाई डज ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन? ग्लाइकोलिसिस एनरोबिक रेस्पिरेशन में बढ़ क्यों जाता है? बिकॉज इट नीड्स मिनिमल अमाउंट ऑफ एटीपी, मिनिमल अमाउंट ऑफ एटीपी इसको चाहिए होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्यूनिटी गिवन बाय मदर्स मिल्क? मदर्स मिल्क जो होता है आपका आईजीए इम्यूनिटी जिसमें होती है, उससे इम्यूनिटी कौन सी मिलती है? पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई आर कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्ड? इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन. ठीक. नेक्स्ट, वैस्क्यूलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम? वैस्क्यूलर टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट्स में किससे डेवलप होता है? प्लेरोम, पेरिब्लेम एंड डर्माटोजन. ठीक. नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ऑर्डर, वर्टिब्रे हमारा वर्टिब्रल कॉलम में कितने जो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं? तो 12, 7, 5, 1, 1. नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील्स इज? एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स जिसमें सीड्स और प्लांट्स का बहुत डाइवर्स अलील्स हो तो उसको कहते हैं जर्मप्लाज्म. नेक्स्ट, जोन व्हेन टू इकोसिस्टम ओवरलैप, जब दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं उस जोन को कहा जाता है इकोटोन. ठीक है. नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ फाइटोप्लांकटन इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग वेरी फास्ट? फाइटोप्लांकटन की कौन सी क्लास है जो सबसे फास्ट ग्रो करती है? इट इज डायएटॉम्स. ठीक है, डायएटॉम्स. नेक्स्ट, माइन्यूट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. एकदम से वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया. चलो तो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बस. माइन्यूट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कैन बी नेक्स्ट इज माइन्यूट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय. तो माइन्यूट सॉल्युबल पार्टिकल्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डीकैंटेशन. ठीक है, डीकैंटेशन के प्रोसेस से ये सेपरेट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है. तो करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो सब लोग यूज कर लें कोड श्रुति 0401 फॉर 10% डिस्काउंट. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना बराबर से. सब लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना बराबर से. ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना बराबर से. चलो अब मिलते हैं कल की क्लासेस में. कल का क्या स्केड्यूल होगा वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी. ठीक है. जय हिंद एवरीवन, गुड नाइट,
सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्राउड एमएनएस वॉरियर्स का, एंड यूट्यूब चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए प्राउड एमएनएस वॉरियर्स। वहां पर भी आपको सेशंस मिलेंगे, वहां पर भी वीडियोस मिलेंगी, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंड जय हिंद गाइस।